दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनफॉर्मल विलेज लाइफ। मैं आज आपको मेरा ये मक्की का खेत का एक छोटा सा झलक दिखाऊंगा। देखिए, ये मेरा जो मक्की का प्लॉट है, यही है ये मक्की का प्लॉट। में मैं ये इसमें भी केमिकल्स यूज नहीं किया हूँ। ये भी मेरा प्लॉट ऑर्गेनिक सी है। मैं इसमें गोबर डाला था। दो ट्रॉली, आपका जो ये ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर का दो ट्रॉली इस तरफ और ट्रैक्टर का दो ट्रॉली उस तरफ डाला। अभी देखिए, इसका ये फसल का जो क्वालिटी है ठीक ही है। ये आसपास में जो अभी आपको ये जो प्लॉट सामने आपको दिखाई दे रहा है, इससे थोड़ा आगे लगाया है। ये थोड़ा ये खेत से थोड़ा ऊंचा है, क्योंकि ये खेत से पहले लगाया हुआ है, इसीलिए इसका पेड़ थोड़ा बड़ा है और ये ऑर्गेनिक्स नहीं है। आपको फर्क इसमें दिखाई देगा। ये जो मेरा प्लांट है, ये मक्के का प्लांट मेरा, और इसमें ये देखिए, ये पूरा ग्रीन है। इतना ग्रीन है, एकदम ज़्यादा है ये, क्योंकि इसमें पूरा केमिकल्स है। इसमें आपको बोरी के बोरी केमिकल्स डाला हुआ है इसमें। लेकिन मेरा जो है, ये देखिए, ये प्लॉट का, इस प्लॉट का ये पेड़, ये भी अच्छे है। फिर भी वो प्लॉट का जैसा उतना ग्रीन नहीं है, और ग्रोथ उस खेत का हिसाब से मेरा खेत में ग्रोथ थोड़ा कम है, क्योंकि इसमें केमिकल्स एडिटिव नहीं है। इसमें मैं जितना डाला, ये मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही डाला, मतलब काउडंग डाला हूँ, क्योंकि काउडंग डालने से भी ये पेड़ ये भी अच्छे है। फिर भी वो प्लॉट का जैसा उतना ग्रीन नहीं है, और ग्रोथ उस खेत का हिसाब से मेरा खेत में ग्रोथ थोड़ा कम है, क्योंकि इसमें केमिकल्स एडिटिव नहीं है। इसमें मैं जितना डाला, ये मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही डाला, मतलब काउडंग डाला हूँ, क्योंकि काउडंग डालने से भी मिट्टी का जो कैपेसिटी है, फर्टिलिटी कैपेसिटी, वो ठीक हो जाता है। और वो फर्टिलिटी कैपेसिटी एक बार एक साल आप ये काउडंग डालने से कम आप दो साल तीन साल आराम से इसमें क्रॉपिंग कर सकते हैं, फसल उगा सकते हैं। क्योंकि इसमें जो आपका काउडंग में गोबर में जो न्यूट्रिएंट होता है, वो धीरे धीरे काम करता है और दो तीन साल तक वो चलता है। इसीलिए मैं एक साल में मैं सेलेक्ट करता हूँ, इस साल ये दो प्लॉट में गोबर डालूँ, अगले साल वही दो प्लॉट में डालूँगा। लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा डाल देता हूँ, कम से कम दो तीन साल आराम से मैं इसमें फसल उगा सकूँ। इसीलिए मैं दो तीन ट्रक कम से कम एक ही प्लॉट में डालता हूँ, दो तीन ट्रक, क्योंकि मेरे पास सफिशियंट गोबर है। गोबर मतलब कोई गोबर ये साइड में ज़्यादा मिलता है, क्योंकि गोबर का इस्तेमाल ये जगह का आदमी करता नहीं है, क्योंकि इसका जो यूज है, इसका जो फायदा है, वो लोग उतना समझता नहीं है। इसलिए मैं ला के डाल देता हूँ खेत में। और दूसरा चीज़, काउडंग में आपका जो न्यूट्रिएंट है, वो भी नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है। वो काउडंग डालने से आपका मिट्टी का जो प्रोडक्शन रेट, वो अच्छा हो जाता है, और आपका मिट्टी का फर्टिलिटी रेट कम से कम दो तीन साल तक, तीन चार साल तक आप अगर अच्छा से पूरा डाल देते हैं काउडंग, तो मिट्टी का फर्टिलिटी रेट तीन चार साल तक वो रेजिस्टेंस रहता है, उसमें डालना नहीं पड़ता है, वो प्रोडक्शन देते रहेंगे। और इसीलिए हम लोग मिट्टी में एक्स्ट्रा एडिटिव फर्टिलाइजर या काउडंग ये सब डालता हूँ। देखिए, मैं उस दिन आपको मेरा पेठा का पेड़ जो है वो दिखाया था, इसमें तो मेरा ये जो है, ये काउडंग है, इसका पास में यही काउडंग ही डाला हूँ, लेकिन सूखा है,
मिट्टी में थोड़ा अपन मिट्टी मिट्टी भी सूख गया क्योंकि बारिश नहीं है, वाटर सप्लाई भी नहीं है, फिर भी इसका ग्रोथ हो रहा है क्योंकि इसमें मैं कावडंग थोड़ा ज़्यादा डाला हूँ। वो भी देखिए, ये आज 2-3 दिन पहले इतना तक ही था, वो भी देखिए कितना बढ़ गया है ये। और इसका जो ग्रोथ है बहुत अच्छा है क्योंकि मैं इसमें थोड़ा पानी ला के डाल दिया हूँ। ये शायद 15 दिन या 1 महीने में इसमें इसमें पेठा लगेगा। दोस्तों ये मैं आपको 2 दिन पहले दिखाया था, अभी मैं आपका आपको ये इसका ग्रोथ दिखाने के लिए आज फिर से इसी को दिखा रहा हूँ। इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा ऑर्गेनिक प्लांट है। ये मेरा किचन गार्डन का पेठा का पेड़ है, 4 है। एक दिन पास बोला था, पास नहीं 4 ही है इसमें, लेकिन कुछ दिन में इसमें ये पेठा लगेगा। शायद 15-20 दिन में लग सकता है अगर इसमें पानी का जो अमाउंट है वो अगर मैं ठीक से डाल सकूँ। 15-20 दिन में इसमें पेठा लग जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर दूसरा दिन आप लोगों का सामने हाजिर हो जाएंगे मैं दूसरा एक टॉपिक्स लेके। धन्यवाद।